हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा लेक्चर फिनॉल पर चल रहा था और इसके पहले के लेक्चर में हमने फिनॉल में आपको फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के बारे में समझाया था। आज बच्चों हम फिनॉल के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे, अर्थात हमारी मेन जो हेडिंग होगी वो होगी फिनॉल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पर यदि हम बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहती है जिंक चूर्ण से क्रिया। यदि फिनॉल की जिंक चूर्ण से रिएक्शन कराई जाए तो होता क्या है, तो आपको बता दें ये है आपका फिनॉल C6H5OH और ये हो गया हमारा जिंक चूर्ण। जिंक चूर्ण क्या करेगा, ऑक्सीजन को उठाएगा और जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन इसी में विलीन हो जाएगा अर्थात C6H6, जिसे हम कहते हैं बेंजीन। अर्थात फिनॉल की जिंक चूर्ण से यदि आप अभिक्रिया कराएंगे तो हमें बेंजीन प्राप्त होगा। क्लियर। आगे यदि हम बात करें दूसरे पॉइंट पर तो हम कह सकते हैं अमोनिया से क्रिया, छोटी छोटी रिएक्शन है आपका सिलेबस अकॉर्डिंग चल रहा है, अमोनिया से रिएक्ट कैसे, ये आपका देखिए फिनॉल और इस फिनॉल की एक मिनट के लिए रुकना। यदि इस फिनॉल की हम अमोनिया से क्रिया कराएं अर्थात NH3 और जो अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तब फिनॉल अमोनिया से क्रिया करेगा तो निर्जल है, निर्जल का मतलब बिना जल, अर्थात इससे जल निकल जाएगा अर्थात यह OH और इधर से जाएगा H, तो आपका ये निकाल दिया उन्होंने H2 शेष राशि C6H5NH2, इसे बोलते हैं हम एनिले। ठीक, कि कहने का मतलब है फिनॉल की यदि आप अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो एनिलीन प्राप्त होती है। अगर थर्ड पॉइंट पर बात करें हम सर तो तीसरे केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, तीसरे रासायनिक गुण पर आज हम बात करें तो आप ध्यान दें PCl5 से फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो देखिए सर ये आपका फिनॉल है और ये आपकी PCl5 अभिक्रिया। ठीक, होता क्या आपने रिएक्शन कई बार की, पी जाता है यहां के ऑक्सीजन को उठाता और PO3 बनाता प्लस, यहां पर दो क्लोरीन है तो एक क्लोरीन इसके साथ जाएगा और HCl बनाएगा प्लस, अब एक क्लोरीन बची तो C6H5 के साथ जाएगा तो C6H5Cl, जिसे हम बोलते हैं क्लोरो वेंजीन। बताइए सुने पी के आओ को लेकर PCl थी दो सीएल से एक एच एक पर CCH5। यदि आप फिनॉल की PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो यह बनेगी आपकी क्लोरो वेंजीन। बात समझ में आएगी बच्चों। अगर फोर्थ रिएक्शन पर हम बात करें तो ध्यान दें सोडियम धातु से, अगर सोडियम धातु से कहें तो ये बात ध्यान लीजिए मुझसे, मैंने कई बार बताया कि लगभग सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड धातु से क्रिया कर, लगभग बोल रहा हूं मैं, लगभग सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, सोडियम धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो ये आपका फिनॉल और ये आपकी सोडियम धातु रिएक्ट करेगा, थोड़ा ध्यान देना रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, ये सोडियम करेगा यहाँ के H को अलग करेगा और H ऐसा है H2, यहाँ हाइड्रोजन है तो यहां पर क्या दो लगाएंगे तो बचे क्या 2C6H5O Na, अब Na भी दो हो गया तो दो यहां लगा दे, इसे बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे सर जी ने हम
इससे हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। बताइए कोई दिक्कत हो तो ये आपकी रिएक्शन समझ में आएगी। सोडियम धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी, मुक्त होगी। आइए अगले पॉइंट पर हम बात करें, पांचवें नंबर पर। तो हम बात करते हैं डाई एचओ मैथेन से। केवल एक आध लेक्चर और होगा आपका फिनॉल का और आपका फिनॉल टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसमें ये लेक्चर तीसरा चल रहा है, लेक्चर चौथा जो आएगा उसमें पूरा टोटल फिनॉल कंप्लीट कर दूंगा, फिर आपका चलेगा ईथर। ठीक है, तो डाई एचओ मैथेन से अभिक्रिया की बात करें सर तो कैसे करेंगे था ना? ये आपका फिनॉल, ध्यान देना, थोड़ा समझने का प्रयास करिए आप लोग। ये फिनॉल है, आप चाहे ऐसा भी बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको ऐसे भी समझाऊंगा रिएक्शन। और ये होता है डाई एचओ मैथेन का सूत्र CH2N2। कुछ नहीं करना है, ये नाइट्रोजन गैस है, अलग कर दीजिए आप। अब CH2 इसी में जोड़ दीजिए तो हो गया C6H5O, और यही H इसमें जुड़ जाएगा हो गया CH3। इसे बोलते हैं मैथिल, इसे बोलते हैं फेनल, ओ को होता है ईथर, इसका नाम पड़ा मैथिल फेनल और ईथर। याद तक आपको समझाया भी था मैंने, आपको कई बार इस बात को जानकारी दी है ये कैसे क्या करते हैं। आगे हम पांचवें नंबर की बात करें तो आप देखना FeCl3 से, अगर फेरिक क्लोराइड से कराएं तो ध्यान देना ये इंपोर्टेंट अभिक्रिया भी आपके लिए। मैं बात है ना, यह FeCl3 से क्रिया कर जटिल बैंगनी रंग का यौगिक बनाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, यह क्या करेगा, जटिल बैंगनी रंग का यौगिक बनाकर देगा हमें। जैसे कैसे, ये आपका फिनॉल प्रतिक्रिया होगी FeCl3 के साथ, कैसे होगी थोड़ा देख लीजिए। आपको पता है जब कुछ नहीं देखना है, देखिए ये H है यहां से Cl के पास जाएगा और 3 HCl निकालेगा, निकालेगा क्योंकि तीन हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया कर ऐसे ना, जितना क्लोरीन था सब लेके चला गया। अब बचा क्या, एफ ही बचा और वो सी से H5, तो बस जटिल कंपाउंड बना तो बड़ा कोष्ठक लगा दीजिए। पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा होता है, ब्रैकेट में होता है। तो एफ ही केंद्रीय धातु परमाणु मान लीजिए आप, और वो सी से H5 बचा, ओ सी से H5, इससे टाइप बनता है अर्थात छह लगा दीजिए। तो यहां भी छह लगाएंगे तो एच भी कितने हुए, छह, इनमें से तीन निकल चुके, तीन बचे अर्थात 3H+ के रूप में ही निकल जाएंगे। ये कहलाती है आपकी FeCl3 क्रिया, मतलब क्या कि HCl से तीनों Fe गया इसके साथ और OCCH5 था तो OCCH6 टाइम बनता है तो 6 यहां लगा दिया तो 6H जो है तो 6H में 3Cl चला गया तो 3H+ बचा। बताइए समझ में रिएक्शन आपको, ये इसका जो रंग होता है वो बैगनी कलर का होता है, किससे कलर होता है, बैगनी कलर का। अगर आगे बात करें हम 6 पॉइंट में बात कर ले रहे हैं, अगले पॉइंट में हम बात करें तो FeCl3 से हो गई। अब ऑक्सीकरण देख लीजिए हमसे, ऐसी एक पे बता रहा ऑक्सीकरण, फिनॉल का ऑक्सीकरण इंपोर्टेंट हुई है। कैसे आप इंपोर्टेंट है कि जो आपका फिनॉल है सर एकांत क्रम में आप बॉन्ड लगा OH लगा, इसका जो ऑक्सीजन होता है क्रोमिल क्लोराइड का Cl2 की उपस्थिति में। जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, ये वो जो है ना इधर लगेगा इसके यहां पर, जब ये यहां लगेगा तो कैसा होगा, ये लग गया वो, लेकिन ऑक्सीजन की दो बैलेंस होती यहां दोहरा दे, लेकिन एक H यहां से भी निकलेगा और एक H आपका ये है, सो एक H यहां से निकलेगा एक H है जो H2 और वह O, तो H2O बाहर निकाल दिए और यहां भी O बचेगा तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये बैलेंस पर, इसे बोलते हैं पैरा बेंजो क्विनोन। बताइए समझ में रख सर, इनको आप नोट कीजिए देख लीजिए अच्छे से। आगे हम आगे लक्षण को बात करें तो इसको मैं अलग करता हूं, ठीक है।
आगे रिएक्शन पर भी हम बात करें तो आपकी एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से भी देख लेंगे कि कुछ रिएक्शन आपकी रह जाएंगी जो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, वहां पर इस लेक्चर को भी खत्म कर दूंगा। जब तक इतना हो रहा है आप कीजिए, क्योंकि समस्या है लाइट की, कभी भी आपका ये रेडियो जल रही है वो बंद हो सकती है, इसलिए हमें लगता है कि जितनी रिएक्शन हो सके उतनी कर लीजिए आप। ठीक, आइए आगे बात कर ले हम। यहां रहना जो भी रिएक्शन थी, अब अगले रहना एसिटिल। देखिए मैंने कहा भी था आपसे चलिए बच्चों हम बाद में इन रिएक्शनों को देखते हैं। ठीक है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम है, बाद में करते हैं हम।